एक बार चीन के एक हिस्से में बहुत बड़ा मठ था। वहाँ पर लगभग 500 से भी ज्यादा भिक्षु रहते थे। वे सभी अपने गुरु के मार्गदर्शन में खुद को जानने का प्रयास कर रहे थे। एक दिन एक लड़का उस मठ में शिष्य बनने के लिए आया। उसने गुरु से कहा, हे गुरु, मैं खुद को जानना चाहता हूँ। मैं सच की तलाश कर रहा हूँ। मैं पता लगाना चाहता हूँ कि सच क्या है। गुरु ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें अपना पूरा जीवन दांव पर लगाना होगा। सच को जानने में तुम्हारा पूरा जीवन लग सकता है, फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इस जीवन काल में तुम्हें सच का पता लग जाए। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शिष्य ने कहा, मैं यहाँ पीछे मुड़ने के लिए नहीं आया हूँ। गुरु ने कहा, तुम एक काम करो, इस मठ पर 500 भिक्षु हैं, उनके लिए चावल कूटने का काम करो। सुबह से लेकर शाम तक चावल कूटने का ही काम करो। जब तुम थक जाओ तो सोने चले जाओ। फिर जब अगली सुबह उठकर आओ तो चावल कूटना फिर शुरू कर दो। इसके अलावा और कुछ मत करना, किसी और चीज के बारे में सोचना मत। बस इस रास्ते पर चलते रहना और दोबारा मेरे पास मत आना। जरूरत पड़ने पर मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। बस उसके बाद वो लड़का चावल कूटने का काम शुरू कर दिया। उस मठ में लगभग 500 से ज्यादा शिष्य थे। उनको समय समय पर भोजन की आवश्यकता पड़ती थी, इसलिए वह जल्दी सुबह उठ जाता और देर रात तक चावल कूटता रहता। जब वह थक जाता था तो उसी कमरे में सो जाता था। वह किसी से बात नहीं करता था और ना ही कोई उससे बात करने के लिए उसके पास आता था। कुछ महीने चावल कूटते हुए उसके मन में पुराने विचार आते रहे, लेकिन उन विचारों को कोई नया विषय नहीं मिला तो वह अपने आप ही मिट गए। धीरे धीरे उसके मन में विचार कम होने लगे। कुछ सालों के बाद वह अपना नाम ही तक भूल गया। वह हमेशा चुप ही रहता था और विचारहीन अवस्था में चावल कूटता रहता। उसने ना तो कभी ध्यान किया था और ना ही कभी शास्त्र पढ़ा था। मठ के बाकी शिष्य उसे मूर्ख समझते थे। ऐसा करते हुए 12 साल बीत गए। गुरु ने एक दिन घोषणा की कि उनका आखिरी समय आ चुका है और उनको अब अपना उत्तराधिकारी चुनना है, जो मेरे बाद उस मठ का मुखिया होगा। इसलिए गुरु ने कहा, कोई भी शिष्य मेरे दीवार के ऊपर कुछ पंक्तियाँ लिखे जिसमें उसका अनुभव लिखा हो। मठ के प्रमुख शिष्यों ने कुछ पंक्तियाँ लिखी। उसे बौद्ध धर्म और ग्रंथों का बहुत ज्ञान था। सभी को लगता था कि वो मठ का मुखिया बनेगा। उसने दीवार पर लिखा था, मन एक दर्पण की तरह है जिस पर विचारों और इच्छाओं की धूल जमा हो जाती है। इस धूल को मिटाने के लिए ध्यान करना चाहिए। जिसकी धूल हट जाती है और मन का दर्पण साफ हो जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त होता है। अगली सुबह जब गुरु उठे और इन पंक्तियों को देखा तब उन्होंने कहा, किस बेवकूफ ने ये सब कचरा मेरी दीवार पर लिखा है। जिस शिष्य ने ये सब लिखा था वो चुप रहा। ये सब किताबी ज्ञान था। वो शिष्य बहुत चालाक था। उसने पंक्तियाँ लिखी लेकिन अपना नीचे हस्ताक्षर नहीं किया, क्योंकि वो स्वयं के बारे में निश्चित नहीं था कि ये पंक्तियाँ सही हैं या नहीं। गुरु ने पंक्तियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। यह देखकर सभी हैरान रह गए। इस बात को करते हुए दो शिष्य उस शिष्य के पास पहुँचे जो 12 साल पहले वहाँ आया था। दिन रात चावल कूटने का काम करता था। दोनों उनकी चर्चा सुनकर वह धीरे से हंस पड़ा। वो दोनों शिष्य उससे मुस्कुराता हुआ देखकर हैरान रह गए। उन्होंने उससे फिर पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि गुरुवर सही बोल रहे हैं, ये सब पंक्तियाँ कचरा है, इन पंक्तियों का कोई मूल्य नहीं है। उन दोनों शिष्य ने पूछा, क्या तुम ऐसी पंक्तियाँ लिख सकते हो जो इससे बेहतर हो? चावल पीसने वाले ने जवाब दिया, नहीं, मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन हाँ, मैं कुछ पंक्तियाँ कह सकता हूँ। अगर तुम उन पंक्तियों को लिख सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। अब दोनों शिष्यों ने कहा, ठीक है। वे गुरु के कमरे के पास गए। चावल कूटने वाले ने कुछ पंक्तियाँ बोली। दूसरे शिष्य ने उसे दीवार पर लिख दिया और नीचे लिख दिया चावल कूटने वाला। जो पंक्तियाँ उसने लिखी थी वो ये थी, मन तो बस एक भ्रम है, ना तो मन है और ना ही मन का कोई दर्पण है। जब मन ही नहीं है तो धूल कहाँ ठहरेगी? तो यह जानता है वो सच को जान गया है। जब गुरु ने ये पंक्तियाँ देखी तो वे उठे और आधी रात को चावल कूटने वाले के पास गए। उसे जगाया और कहा, ये लो मेरी छड़ी और वस्त्र ले लो, आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, लेकिन इस मठ को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि इस मठ में बहुत सारे विद्वान हैं जो खुद को तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं और वो तुम्हें मार देंगे। तुम्हें वो सारा ज्ञान हो गया है जो मुझे है। तुम्हें ये सारा ज्ञान चावल कूटते कूटते हुआ है। मुझे पता है तुम जहाँ भी जाओगे लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे। जब कोई फूल खिलता है तो उसकी महक चारों तरफ फैलने लगती है। उसने अपने गुरु के चरणों को छुए और रात को ही वहाँ से चला गया। बहुत सारे लोग सोचते हैं ध्यान केवल एक ही जगह पर आंखें बंद करके किया जा सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ध्यान तो चलते चलते भी किया जा सकता है।